मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार टाक, मैं नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी का चेयरमैन हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आने वाले जो अपकमिंग डेज में, आने वाले दिनों में 24 जनवरी को होटल ऑर्चिड में नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 ये हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस विषय में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी, जिनका पहला अवार्ड शो, अवार्ड फंक्शन मुंबई में सहारा स्टार होटल में 24 जनवरी 2021 को हुआ था। पहला इवेंट हमने मुंबई में किया, दूसरा इवेंट हमने गोवा में किया, फिर तीसरा इवेंट हमने पुणे में किया, चौथा इवेंट हमने गुजरात में किया, पांचवा इवेंट फिर से हम मुंबई आए, मुंबई करके जो प्यार है उसके लिए, दुलार के लिए हम मुंबई आए। ऐसे टोटल हमने आज तक 10 इवेंट किए हैं। और हमारे अगर आप पास्ट अवार्डी देखेंगे तो पास्ट अवार्डी में हमारे जो हमारे भारत के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो भाई है प्रहलाद भाई मोदी, ये हमारे पास्ट अवार्डी है। धनराज पिल्ले हमारे पास्ट अवार्डी है। जरीन खान हमारे पास्ट अवार्डी है। मंदिरा बेदी हमारे पास्ट अवार्डी है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हमारे कुछ पास्ट अवार्डी हो चुके हैं, जो कि दिल्ली के इवेंट में हमने कुछ सेंट्रल मिनिस्टर को भी दिए थे, जिनमें मैं अगर बोलूँ तो आपको जॉन बारला साहिब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है माइनॉरिटी में, उसके बाद में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील में है, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिए, कुछ एम्बेसडर्स को दिए हमने, कुछ काउंसिल जनरल को दिए जो अलग अलग कंट्री से आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास्ट अवार्डी थे। अब मैं यहाँ पे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गेस्ट अतिथि हमारे पास आए हैं, मैं उनको आपको उनका परिचय देना चाहता हूँ। ये मेरे बगल में जो बैठे हैं, ये साहब का नाम है जितेंद्र भल्लाड़कर साहब, पुणे से आते हैं। ये टेंसो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके मालक है, और हमारे जो अपकमिंग इवेंट है नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 उसके ये को पावर्ड बाई है। इन्होंने हमको बहुत मदद किया, ये आज हमारे साथ में है। हमारे जो बैठे हैं डॉक्टर दीपक सावंत सर, जो हमारे पास्ट अवार्डी भी रह चुके हैं, इनको कौन नहीं जानता है, तो इनको तारीफ भी करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पास्ट अवार्डी भी रह चुके हैं। सदगति सोशल फाउंडेशन के साथ में हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस इवेंट को हम सदगति सोशल फाउंडेशन जो एनजीओ है, उस एनजीओ के जो डॉक्टर दीपक सावंत साहब जो है, उस एनजीओ के फाउंडर चेयरमैन है। सदगति सोशल फाउंडेशन इन्वेंशन में काम करती है, बहुत सारे जगह पे इन्वेंशन के काम इनके चल रहे हैं, सब प्रोसेस में, आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ मालूम पड़ जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर उपासना हलवाई, जो हमारी पास्ट अवार्डी रह चुकी है, सुहाई लर्निंग एकेडमी ये कंपनी की वो फाउंडर चेयरमैन है, और टेंसो जो हमारा को पावर्ड बाई है वहाँ पे ये को फाउंडर भी है। हमारे साथ में डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल, जो कि नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी के सेक्रेटरी है, ये भी हमारे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। और हमारे पास में द ग्रेट एमिनेंट साइंटिस्ट मिस्टर माधव सावंत, ये भी हमारे साथ में है। इनके बहुत सारे इन्वेंशन ऑलरेडी है, और इनके कुछ इन्वेंशन मेडिकल फील्ड में भी काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये था इन सभी का परिचय। अभी आप जो मुझसे सवाल करेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अपकमिंग गेस्ट नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी 2023 में जो 24 जनवरी को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके अपकमिंग गेस्ट है ईशा कोपिकर, सोली खान जो सैफ अली खान साहब की बहन है वो आ रही है, दलेर मेहंदी साहब, जो हम लोग ये टेंटेटिव गेस्ट बता रहे हैं आपको, दलेर मेहंदी साहब आ रहे हैं, कैप्टन गोपी शेट्टी साहब आ रहे हैं, जो इंडिया स्काउट, जो सिख स्काउट है उनके प्रेसिडेंट है, वो भी आ रहे हैं। कैप्टन मानिक आ रहे हैं, जो उनकी एक एकेडमी है जो पायलट बनाते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी है कैप्टन मानिक, जो बचपन से गरीब से आके हुए एक आदमी कैप्टन बना और आज लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सभी को ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो भी इस अपकमिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गेस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ता रहेगा, जो इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। कुछ सेंट्रल मिनिस्टर भी इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। दुबई से शेख मजीद आ रहे हैं, जो रूलर है दुबई के, वो आ रहे हैं। बू अब्दुल्ला, ऐसे बहुत सारे गेस्ट आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रोग्राम थोड़ा हटके होगा, क्योंकि ये हमारी दूसरी वर्षगांठ है, मतलब 2 साल नेल्सन मंडेला को 24 जनवरी में जहाँ से सफ़र चालू किया था, 2 साल नेल्सन मंडेला अवार्ड एकेडमी को हो जाएंगे। मेरा नाम जितेंद्र बल्लाड़कर है, और मैं टेंचो एजुकेशन सिस्टम चला रहा हूँ, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है कि नेल्सन मंडेला का जो काम चल रहा है
पीस अवार्ड्स, नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड का जो काम चल रहा है वो सोशल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पर जैसे कि अनाथ बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और कैंसर के जो लोग हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है, तो सोशल में ये बहुत ज़रूरी है ये मैं समझता हूँ। तो जब भी नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड्स का जो भी आगे काम चलता रहेगा तो हमेशा मैं इनके साथ सपोर्ट में रहूँगा, ये मैं गवाही देता हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि ये काम अपने सोशल में हो रहा है, तो कंटिन्यूसली मैं जैसे आह्वान करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ये करना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है हमारा जो 24 जनवरी 2023 ऑर्चिड होटल में, उसमें सर को भी हम अवार्ड से, नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 से सर को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, मैं डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल जो नेल्सन मंडेला के सेक्रेटरी है और हमारे राजकुमार साहब के साथ में पिछले 2 साल से नहीं करीबन 20 साल से हूँ, और उनका स्वभाव, उनका जो सेवा करने का जो भाव है वो देखकर हम हर समय प्रेरित होते हैं। और नेल्सन मंडेला ने आज तक जो जो काम किए हम ये खुद सुने भी है, देखे भी है। उसके साथ साथ आकृति लाइफ फाउंडेशन जो मैं खुद उसका संस्थापक हूँ, उसमें भी वो हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जो बच्चों को हॉस्टल में हेल्प करते हैं। तो ये विविध जो प्रोग्राम्स और कार्यक्रम जो होते हैं वो केवल सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, पर उसके ज़रिए बहुत सारे सोशल वर्क और बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो लोग का चेहरा कोई जानते नहीं है, उन लोगों को उस तख्ते से उठाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आकर उस जगह पर उनको अवार्ड देना, उनको डॉक्टरेट देना, ये एक सम्मानित बात है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इनोवेटिव किए हैं, पर उन्हें वो प्लेटफॉर्म, वो ज़रिया उनको नहीं मिला। पर आज मैं बहुत खुश हूँ इस नेल्सन मंडेला के साथ में जुड़कर, जो ये काम जो डॉक्टर राजकुमार ताक साहब कर रहे हैं उसके साथ में सहकर्मी बनकर करने में मुझे आज बहुत आनंद है। सर, मुझे प्लेटफॉर्म की आदत नहीं है, मेरे पैर का ऑपरेट। माधव सावंत, मैं इनोवेटर हूँ ऐसे टाक सर कह रहे, लेकिन मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता कि बेसिकली मैं ये बैग बनाता हूँ। आप मान लीजिए सफ़र में जा रहे हैं, वी डू नॉट फाइंड एनी ड्राइव करना, मान फिर पानी पड़ते रहता मैं हाथ पड़ता आपको वॉशरूम में। इन्होंने इनोवेशन है इनके, ये वो बता रहे उनका जो इनोवेशन है। तो इस बैग में आप इधर इधर दिखा दीजिए, इधर डाल दीजिए, हाँ डालो, डाल दो कैमरे में, डालो सामने, डालो कैमरे से, बस 10 सेकंड में पूरा जो से आइदर यूरिन और वॉमिट इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ड्राई जेल, ठीक, उसकी पूरी बदबू वगैरह निकल जाएगी। फर्दर यू थ्रो दिस बैग इन टू से किसी पेड़ के नीचे, इट विल गेट कंपोस्टेड विद इन 8 डेज, ठीक। एंड द मटेरियल इनसाइड, जहाँ पर आपको दिन में 100 लीटर पानी देना है उसकी जगह आप सिर्फ 30 लीटर पानी दीजिए। ग्रेट। नॉर्मल जो ह्यूमन रहते हैं वो दिन में साधारणतः 2 लीटर यूरिन डिस्पैच करते हैं, उसमें साधारणतः 25 ग्राम यूरिया आता है, ओके, एंड बैलेंस 25 ग्राम इज NPK। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनको पता होगा, इट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो फर्दर ये प्रोजेक्ट कैसे लेके जाना है ये पैसे वाले, और तो सब तक ये प्रोडक्ट, ये जिनका जो इन्वेंशन है, इनका बोलने का मतलब ये है कि हर जगह पे पहुंचना है। और नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी, ये जो NGO है ये इसको सपोर्ट करेगा। सदगति सोशल फाउंडेशन है, टेंसो है, सुहाई हमारे साथ में, तो इन सब के मदद से हम इसको घर घर तक और लोगों को बताएंगे कि भाई पानी बच रहा है और साफ सफाई की बात है तो क्यों नहीं, हाइजीन तो हर जगह को चाहिए। अच्छा, तो मैं अपना एक परिचय देता हूँ। मैं दीपक सावंत, और 48 साल से मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करता हूँ, आज भी करता हूँ।
उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ और उनको कुछ खूबसूरत बना के लोगों के सामने लाने की भी कोशिश करता हूँ। ये सब करते करते मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो देश के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने इसके ऊपर सोचा और कुछ इनोवेशन करने का मेरे दिल में दिमाग में आ गया। गए साल 21 को टाग साहब ने नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे दिया। मैं डॉक्टर नहीं था लेकिन मुझे डॉक्टर बना दिया गया। तो बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर और भी थोड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कुछ 11 इनोवेशंस किए। वो 11 इनोवेशंस गरीबों के लिए है, जितने गरीब है उन लोगों के लिए है। लोग करते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं, 2-4, 5-50, 100, 200 इन लोगों के लिए करते हैं, एक संस्था के लिए करते हैं, दूसरी छोटी संस्था के लिए करते हैं। हमारा इनोवेशन है पूरे देश के लिए, पूरे देश के गांवों के लिए। तो ऐसा इनोवेशन करने के लिए अवार्ड मिलने के बाद टाक साहब ने जो मुझे अवार्ड दिया है और नेल्सन ने मुझे जो इज्जत दी बख्शी है, इसके लिए मुझे ऐसा बार बार लगता है कि नहीं, देश के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। और इसके लिए ये मैंने जो इनोवेशंस किए हैं, मैंने छोटा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। मैं आदिवासी इलाकों में थोड़ा बहुत होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादातर रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ हम चाहते, हमारी जो सदगति सोशल फाउंडेशन जो है, वो सदगति सोशल फाउंडेशन के तरफ से हम एक 20 एकड़ का, जैसे ये टेबल है 20 एकड़ की टेबल है, तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो रोड देना चाहते हैं, रोड देने के बाद उनको पानी देना चाहते हैं, उसके बाद में पानी के बाद उनको लघु उद्योग देना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चरल देना चाहते हैं, ऐसे अनेक उसमें ये है। और लघु उद्योग जो है वो 80% गाँवों में, लघु उद्योग जो लघु उद्योग इधर झोपड़पट्टी में होते हैं, और झोपड़पट्टी में आपको किसी को मालूम नहीं, आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ उनको, कोशिश करता हूँ वो लोग क्या क्या बनाते हैं, और वो सारी के सारी चीज़ें वो गाँवों में बनेगी। आज तक गाँवों में नहीं, शायद चाइना में थोड़े से घरों में बनता है, गाँवों में नहीं बनता है, घर एक दो चार घरों में, दो चार घरों ऐसा बनता है, लेकिन हमने सोचा कि गाँवों में ये पूरा के पूरा बने। और वो गाँवों के लोगों को सबसे पहले तो हम उनको उधर रोड, लाइट, पानी, गैस सब देने के बाद उनको घर हम फ्री देना चाहते हैं हमारी संस्था की तरफ से। तो 100 आदिवासी फैमिलीज को हम घर फ्री देंगे। उसके बाद में 350 से 400 लोग होंगे उनके घर के, वो सभी को हम नौकरी देंगे वहाँ। तो कोई गेट पे होगा, कोई साफ सफाई में होगा, कोई फिशिंग में होगा, कोई हॉर्टिकल्चरल में होगा, कोई गाय के गाय का जो ये है, और कई लोग लघु उद्योग जो है उसमें रहेंगे, और उनको लगने वाले, उनके बच्चों को लगने वाला एक मंदिर रहेगा, उसके बाद में स्कूल रहेगा, स्कूल के बाद में पुलिस स्टेशन रहेगा, बैंक रहेगी, सारे के सारी सुविधा वो गांव में मिलेगी। और ऐसा गांव, एक विकसित गांव हम उनको देना चाहते हैं। और हमारा ये एम है कि करीबन एक गांव न बनते हुए ये 3 लाख गांव बनाने का हमारा इरादा है। जैसे हमारा पेटेंट हो जाएगा, पेटेंट होने के बाद हमारी फ्रेंचाइजी होगी, और फ्रेंचाइजी के मार्फत पूरे देश में जिधर भी आपको गांव बनाना है, जैसे आपका मैकडोनल्ड होता है, जैसे आपका पिज़्ज़ा होता है, KFC होता है, उस धरती पे हमारा गांव भी हर जगह विकसित होगा, और वो विकसित हमारे नॉर्म्स पे होगा, हमारे हम जो चाहते वैसा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
और गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी तो वो लोग शहर में नहीं आएंगे। दूसरा इनोवेशन हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि ये नदी है, नदी का पानी अभी शायद मोदी जी ने काफ़ी जगह पे रोका है, लेकिन क्या होता है कि एक लोटा भर के कोई पानी जाके नदी में लेता नहीं है, साइड में सब सूखा पड़ा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको हम घर तक क्यों नहीं पानी दे, उनके ज़मीन तक क्यों नहीं पानी दे। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने पाइप डाला, पाइप से हमने मोटर में डाला, मोटर से हमने ज़मीन में डाला, ज़मीन से हमने 100 किलोमीटर लेके गए, 100 100 100 100 100 100 ऐसे 5000 किलोमीटर ये साइड में और 5000 किलोमीटर उस साइड में। तो हर एक के घर तक पानी आया, हर एक के ज़मीन तक पानी आया, और उन्होंने ठंड की खेती, गर्मी की खेती और बारिश की खेती, ये तीनों करना है उसमें। तो 10000 किलोमीटर में ये तीन खेती होगी और हर किसान वो खेती कर सकता है, और नॉमिनल उसके जो पानी जो है उसको 12 महीने पाना मिलेगा, क्योंकि हमारा नदी में पानी है, हमारा पानी पाइपों में है जिसका बाष्पीकरण नहीं होता, जीरो बाष्पीकरण होता है, और तीसरा पानी जो वो खेतों में डालेगा। एसोसिएशन में काम कर रहे हैं तो आगे भी जाएंगे, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए काम चल रहा है। मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, मैं उपासना राजीव हलवाई नासिक से बिलोंग करती हूँ, और मेरे करियर की शुरुआत मैंने डायरेक्ट सेलिंग से 10 साल पहले स्टार्ट किया, और मार्केट में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखते हुए काफ़ी चीज़ें देखी, और सबसे मेन चीज़ ये देखी कि हिंदुस्तान में रोज़गार को लेकर स्पेशली कोविड के बाद वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम आई, बट हम अपने देश के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे दिलों दिमाग में आई कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ मिलके करेंगे तो ज़्यादा इसमें हमें प्रोग्रेस मिलेगी हमारी कंट्री को। तो इसके चलते हमने एक एजुकेशन एकेडमी टेंचो के साथ मेरी एकेडमी सुई को मैंने कनेक्ट किया, और हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि एक हाथ में काम लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग की, मार्केट की, जिसमें हम हर शहर में, हर गाँव में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बिना कोई फीस लिए एजुकेशन देने का जो कार्रवाई है, हम 2 जनवरी को इसकी शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमारे साथ जो है नेल्सन मंडेला, जिसमें मैं आज डे 1 से 2 साल से, जब से ये डे 1 से स्टार्ट हुआ है, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार टाक सर को जानती हूँ, और सर के साथ इसके हर कार्यक्रम को मैंने देखा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला NGO सारी दुनिया में लोगों की मदद के लिए ये जो कार्यक्रम है आयोजित कर रहे हैं, और इसी के चलते मुझे भी श्री डॉक्टर राजकुमार टाक जी के द्वारा डॉक्टरेट यहाँ पर दिया गया, सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ हम इस एकेडमी के साथ अब लाइफ टाइम जुड़ के रहेंगे, ये हमने डिसीजन लिया है। टेंचो सोई दोनों जो हैं इस एकेडमी का एक हिस्सा बन चुके हैं, कि इस सामाजिक कार्य में जो इनका योगदान है उसमें हम अपना एक छोटा सा योगदान करना चाहते हैं हमेशा। दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में लोगों को शिक्षा देने का जो एक कारवा शुरू किया, उसी के साथ साथ हमारे साथ आदरणीय ज्ञानंद सरस्वती स्वामी जी जो हैं जुड़े हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कारवा शुरू करना है जो कि नासिक से शुरू होने जा रहा अखंड भारत यात्रा, ये कितने साल चलेगी, कितने महीनों चलेगी हम कह नहीं सकते, लेकिन इस यात्रा का एक उद्देश्य है जिसमें हम गांव-गांव जाकर रहकर लोगों की पत्रिका देखेंगे, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, वो क्यों देखी जाने वाली है, उसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे देश में ऐसे कई महान लोगों ने जन्म लिया है, जिनका जन्म हुआ है और उसके बाद उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये बाय बर्थ ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो हम उन बच्चों की तलाश के लिए ये अखंड भारत जो हमारी यात्रा है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारा साथ दें, और बहुत जल्दी नासिक शहर महाराष्ट्र से ये यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए मैं आप सभी जितने भी हमारे यहाँ आदरणीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी को आज ही आप सबसे मतलब विनम्र आप लोगों का आदर करते हुए कहूँगी कि आप सभी हमारी इस यात्रा के साथ हमारा इस यात्रा का एक पात्र बने, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम सभी को पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में दिखेगा कि ये यात्रा कितने बड़े लेवल पे
लोगों तक जा रही है, और साथ ही साथ हमारी जो एजुकेशन हम लोगों को देने जा रहे हैं 10th SWIL के द्वारा, इसमें हमारा टारगेट है जितेंद्र बलाड़कर जी और मेरा कि हम एक साल में कम से कम 1,00,000 ऐसे बच्चे तैयार करें, सिर्फ बच्चे नहीं बुजुर्ग महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं तैयार करें, जो सेल्फ डिपेंड अपना घर में रहकर अपने घर को चलाने के लिए, ना कि पूरे परिवार को चलाने के लिए, ना कि अपने साथ साथ आस पड़ोस सभी को ज्ञान देने के लिए हमारे साथ जुड़े। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी, इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ही है, हर गली कुचे में हमारे पास टैलेंट है। मैंने ऐसे ऐसे पद्मश्री भी लोगों को देखा है जिनको पद्मश्री मिला लेकिन उसी गांव में उस तालुका में उनको कोई जानता नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने समाज में काम किया है, सोशल वर्क किया है, सोशल वर्क में क्रांति लाई है, बिजनेस में क्रांति लाई है, मेडिकल फील्ड में क्रांति लाई है, इन्वेंशन में क्रांति लाई है, ऐसे कुछ लोगों को हम साल भर चुनते हैं और फिर उनको हम वो प्लेटफॉर्म देते हैं। तो कोई भी हमारे वेबसाइट पे जाके इस आवेदन को भर सकता है, मुफ्त है, फ्री है बिल्कुल भी, और अपना वो नॉमिनेशन भर के फिर जो ज्यूरी है, हमारी जो एडवाइजरी है, वो लोग उनको उनका इंटरव्यू और उनका वेरिफिकेशन वगैरह करके फिर उनको सम्मान देते हैं। पीस अवार्ड अकेडमी द्वारा प्रस्तुत नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड जो अब तक कम से कम 7 स्टेटों में हो चुका है, इसका उद्देश्य, इसके पीछे का कारण यही है कि जो भी लोग इस अवार्ड को लेते हैं उनसे हम खाली एक विनंती करते हैं कि जो हमारे काम है, जो हमारा सोशल वर्क है, जैसे आकृति लाइफ फाउंडेशन, उनके अनाथ आश्रम है जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको शनिवार को खाना दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे 500 से 1,000 लोगों को दिया जाता है, किसी को ऑपरेशन है, ऐसे पूरे साल भर में देखिए होता है क्या कि हमारा बोलना यह है कि अगर आप राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को मालूम ना पड़े, तो वो सारे प्रूफ तो मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, लेकिन साल भर नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी जो NGO है ये लोगों की मदद और सहायता के लिए ये सारे काम को करता है। तो नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 जो कि 24 जनवरी को ऑर्चिड होटल में होने जा रहा है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा जो पावर्ड किया है या जो सबसे बड़ी मदद की है वो LP स्टोकन ने की है, इनकी सोलार एनर्जी और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इनके जो इंडिया हेड है डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल साहब वो हमारे पास बैठे हैं, तो LP स्टोकन को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। को पावर्ड बाई टेंसो सुहाई, इनको भी धन्यवाद, और आप सब मीडिया के लोग जो आए मैं हाथ जोड़ के आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।